अब बात करते हैं सैलरी के ऊपर। अब सबसे लास्ट का और मेन मुद्दा यही बचता है कि भाई हमें सब कुछ कर लिया, इतनी मेहनत कर ली, पढ़ लिए, लिख लिए, शायद टायर पास कर लिए, डिपार्टमेंट भी ले लिया, अब ये सैलरी कितनी मिलेगी। तो सैलरी को देखिए, इन्होंने तीन तरीके से बांटा हुआ है, तीन ग्रेड पे के अंदर बांटा हुआ है। जो एक हो गया 1900 ग्रेड पे यानी कि लेवल 2, एक 2400 ग्रेड पे लेवल 4, और 2800 ग्रेड पे लेवल 5। लेवल 5 है जो 2800 ग्रेड पे है, ये पहले नहीं था, ये इन्होंने 2020 के नोटिफिकेशन में ही डाला है। तो अब आप 2800 ग्रेड पे के अंदर भी CHSL क्वालिफाई करके जा सकते हो। तो अब बात करते हैं कि भाई 1900 ग्रेड पे की, 1900 ग्रेड पे आपको कैसे मिलेगा। देखिए 1900 ग्रेड पे है वो आपको मिलेगा JSA और LDC। अगर आप जूनियर सेक्रेटरेट JSA जो होता है वो किसी भी डिपार्टमेंट में बनते हैं, या LDC लोअर डिवीजन क्लर्क किसी भी डिपार्टमेंट में बनते हैं, तो आपको 1900 ग्रेड पे मिलेगा। दूसरा होता है 2400 ग्रेड पे, ये अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ जो कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट में जाते हैं, यानी कि PASA पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट, जैसे जिनमें मैं भी हूँ सॉर्टिंग असिस्टेंट, अगर आप वो उस डिपार्टमेंट में जाते हैं तो आपको मिलेगा 2400 ग्रेड पे। साथ ही एक है CAG का डिपार्टमेंट, जो हमारे इंडिया का ऑडिट होता है, वो जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उनका करता है, तो कैग के डिपार्टमेंट में भी 2400 ग्रेड पे है। साथ ही इन्होंने कैग के डिपार्टमेंट में ही एक जो विंग है उसके अंदर इन्होंने 2800 ग्रेड पे भी दिया हुआ है, यानी कि कैग में ही आपको 2800 ग्रेड पे भी मिलेगा। तो इस तरीके से ये डिपार्टमेंट बटे हुए हैं। अब बात करते हैं कि भाई 1900 ग्रेड पे में होंगे तो हमारी सैलरी कितनी होगी, 2400 में होंगे तो कितनी होगी, और 2800 में होंगी तो कितनी होगी। तो देखिए ये इस पे तो डिपेंड करता है कि 1900, 2400 और 2800 ग्रेड पे, साथ ही ये डिपेंड इस बात पे भी करता है कि आपकी ड्यूटी कहाँ पे है। देखिए अगर आप गवर्नमेंट जॉब में लगेंगे तब आपको पता चलेगा कि जो हमारे गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट है, उन्होंने तीन कैटेगरी में हमें बांटा हुआ है, X-City, Y-City और Z-City। X-City यानी कि जो मेट्रोपोलियन महानगर है बड़े, जैसे कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, और बैंगलोर हो गया, इस तरीके से हो गया, जो बड़े बड़े नगर हैं वहाँ पे महंगाई ज़्यादा होती है, आप कमरा लोगे तो महंगे का मिलेगा, तो वहाँ पे आपका HRA वगैरह ज़्यादा मिलता है, तो उस तरीके से आपकी सैलरी ज़्यादा बन जाती है। फिर आता है Y-City के अंदर भाई जैसे ही हो गया गुड़गांव हो गया, पुणे हो गया, काफ़ी जो बीच के मिडिल क्लास के है, जो काफ़ी मतलब मेट्रोपोलियन से थोड़े से कम है पर काफ़ी डेवलप है, उन एरियो को इन्होंने बांटा हुआ है Y-City। और Z-City में जो आते हैं वो आते हैं रिमोट ऐसे एरिए, जैसे हमारा गाँव हो गया, कस्बा हो गया, कोई भी लोकल सिटी होगी किसी भी शहर की नॉर्मल, तो उनको इन्होंने Z-City में बांटा हुआ है। वहाँ पे आपको HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस है वो और भी कम मिलता है। तो अब अगर आप 1900 ग्रेड पे हम X-City की बात करते हैं, क्योंकि मोस्टली जो जॉब मिलती है SSC CHSL से वो आपको मिलेगी X-City में, क्योंकि मिनिस्ट्री जितनी भी है वो सारी दिल्ली के अंदर है या बड़े शहरों के अंदर है, जितने भी डिपार्टमेंट है वो सारे ऑलमोस्ट बड़े शहरों में ही है, तो कुछ डिपार्टमेंट है जो रिमोट ऐसी एरियो में है जहाँ पे आपको Y और Z-City मिलती है। तो हम मेन लेके चलते हैं X-City में, यानी कि बड़े नगरों में अगर आपको जो मिलती है तो आपकी सैलरी कितनी होगी। तो आज के दिन अगर हम हिसाब लगाते हैं तो 1900 ग्रेड पे यानी कि LDC और JSA अगर आप लगते हैं तो आपको जो सैलरी मिलेगी, लगभग आपकी जो ग्रोस सैलरी होगी वो 35,000 के आसपास होगी। और अगर वहीं आप 2400 ग्रेड पे में लगते हैं X-City के अंदर, तो आपकी ग्रोस सैलरी जो होगी वो 42-43,000 के आसपास बैठेगी। वहीं अगर आप 2800 ग्रेड पे में यानी कि जिसकी बेसिक 29 कुछ है 200 है उसमें लगते हैं, कैग के अंदर लगते हैं, तो आपकी जो ग्रोस सैलरी है वो लगभग 50 के आसपास बैठ जाएगी। तो इस तरीके से आपकी सैलरी बैठती है, स्टार्टिंग जो सैलरी मैंने आपको आज के टाइम में बताई है, समय के साथ ये सैलरी